एक चीज बताना चाह रहा हूं, हमारे सरपंच साहब लगभग सरपंच जी को भी एक महीना हो गया, एक साल से ज्यादा हो गया सरपंच होने, मुझे तो साउथ फ्री में मंच पर ही देखते, कभी विकास के लिए तो मेरे पास विजय वाला जी आते नहीं है। विजय वाला जी आप मेरे पास आ जाओगे तो जबरदस्ती थोड़ी आपके वोट खोस लूंगा, मैं छीन थोड़ी लूंगा। गांव के विकास के लिए तो आपको आना चाहिए। गांव हो सकता है कि हमारे मतभेद हो, हम अलग अलग जगह विचारधारा से मिलन करते होंगे, लेकिन गांव के विकास के लिए आपको संपर्क करना चाहिए। और फिर विधायक होने के बाद तो अलग है, मंत्री बनने के बाद तो उसके दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं, वो तो सरकार होती है। सरकार से स्वागत स्वागत, सरकार से नाराजगी आपकी विधायक से हो सकती है, पार्टी से हो सकती है, मेरी जाति से नाराजगी हो सकती है, लेकिन आपको सरकार से नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। गांव के विकास के लिए आप मेरे पास आइए, आप गांव के आप मुखिया हैं, गांव के एक नंबर के आप नागरिक हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि गांव के विकास के लिए आप आगे, और इन छोटी छोटी बातों के लिए हम चर्चा करें। सरपंच जी अच्छे अच्छों की डेंटिंग निकाल देती है, एक बार मेरी भी निकाल दी थी, अच्छे अच्छों की डेंटिंग निकाल देती है सत्ता। चुनाव के बाद में किसने वोट दिया और किसने वोट नहीं दिया, ये तो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। चुनाव जीतने के बाद तो आदमी सभी का हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं आपको, आप बीच के आदमी को काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, और किया हुआ कर्म, आपका किया हुआ कर्म तो आपके सामने आएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, अरे यदि अच्छा नहीं करके बुरा करोगे तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। सरपंच साहब सबसे कमजोर बच्चा हो, माँ का जरा नहीं उसका सबसे ज्यादा लाड प्यार हो, कुर्सी पर बैठने के बाद भी ये धर्म होता है, ये धर्म कि आदमी कुर्सी पर बैठे के सबसे कमजोर का गरीब का सबसे ज्यादा ख्याल रखे। अरे दो बार मंत्री बन बने हो तो वो गैलरी बार एक बार वो जहाज ही डूब गए चौथू में जाते हो, वो तो मत अगर जहाज में बैठे वो जहाज ही डूब गए हो। कांग्रेस का सीट ही कल 21 आई, दो सवा से वो जहाज डूब गए, मैं भी बैठे मैं भी डूब गो नहीं, अब कल चौथू में जाते हो, चौथू में जाते हो। अरे सरपंच जी पहलू का दूध गुंज है, पहलू तो कोई का कोई की बरत सुझी चाहे पहलू दूजूर वजन पर अपने कर्म को चुनाव का दूजूर को है, पहलू में तो तक लाग जाके दूसरा की बरत को वोट पर जाए, चुनाव तो अब कल लड़ना देना मेरे पड़ेगा, पहले वो कर्म को वो कर्मों का चुनाव होगा, आप आचकरण करोगे जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। याद खड़े 20 साल हो गए, 20 साल मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं करता भी जो वाला जाति की राजनीति, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठता है, चार बार डिस्ट्रिक्ट बार का चेयरमैन जाए कोई नहीं बनने देता। और ये दूसरी बात बता दूं मंत्री महोदय, आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि विजय वाला जाति की राजनीति नहीं करता।